हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। निकिता अंबोली जो है वो घर से बेघर हो चुकी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे वो हुई है घर से बेघर। क्या वोटिंग लाइन ओपन होने के बाद उनको कम वोट मिली उसके आधार पे उनको बाहर किया गया, या निकिता अंबोली ने 6 लाख रुपए का ब्रीफ केस ले लिया और वो बाहर चली गई। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग जो है वो इतनी बात बोल रहे हैं कि जो निकिता अंबोली है वो घर से बेघर हो गई है। ये बात तो सच है, पर उसी के साथ कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि निकिता अंबोली 6 लाख रुपए लेके घर से बेघर हो गई है। हालांकि इस बात के ऊपर कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर मुझे लगता है कि 6 लाख रुपए लेके वो बाहर नहीं गई है, कुछ और चीज हुई है। तो उसकी वजह से या तो वो टास्क में हारी है या कुछ ऐसी चीज हुई है जिसके कारण उनको बेघर कर दिया गया है। क्योंकि 6 लाख रुपए का जो एक्चुअली में आप लोगों को प्रोमो दिखाया गया है ये 2 दिन पुराना है, यानी कि ये गुफा का जो एक्चुअली में हमने आप लोगों को बताया था कि गुफा का टास्क चल रहा है, घर के अंदर 3 चेयर है उसके ऊपर ये लोग सब लोग बैठे हैं, सेंटर में एक ड्रम है, ये वो सब चीजें उस वक्त का ये है। तो ये 2 दिन के बाद एटलीस्ट 6 लाख रुपए लेके कैसे वो बाहर जा सकती है, 6 लाख रुपए लेके वो बाहर नहीं गई है, रीजन कुछ और है। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सर्च करके बताऊंगी कि आखिरकार रीजन क्या था। अभी निकिता अंबोली घर से बेघर हो चुकी है, 4 लोग अभी घर के अंदर बचे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि निकिता अंबोली को इस वक्त घर से बेघर करना चाहिए था बिग बॉस को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।